दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है और थैंक यू सो मच जो आप लोग मेरे चैनल को प्यार देते हैं, जो आपने मेरी वीडियोस को प्यार दिया, जो आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया, उस सब के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों से मुझे प्यार मिल रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा जो मैंने ये अभी 3 ही वीडियोज़ अपलोड किए, आज चौथा पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब जो आज का पार्ट है, इस पार्ट में हम अहरबल होटल से, जो हमारा होटल माउंट ब्रिज है, वहाँ से हम सीधा चिरनबल और बडदलों में जाके बेस कैंप करेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है वो कोसरनाथ के निकलेंगे। तो इसलिए आज हम यहाँ से निकलेंगे होटल से। तो हमें थोड़ा कुछ मुश्किलात का सामना भी करना था, हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान भी था और जो गाड़ी थी वो आधे रास्ते तक ही जा सकती थी, मान के चलो 2 किलोमीटर तक। तो 2 किलोमीटर तक गाड़ी जा सकती थी, वहाँ से आगे हमने एक घोड़ा किया जिस पर हम अपना सामान लेके जा सकते थे। फिर हमने उस पर अपना सामान डाला और सामान को पैक किया और फिर हम अहरबल से चिरनबल की तरफ निकल गए। तो इस सफ़र में हमें सुबह से, हम निकले थे यहाँ से मेरे ख्याल से 8 बजे से, चिरन वहाँ जाके चिरनबल से बडदलो हम वहाँ पे पहुँचे थे शाम के 5-6 बजे। तो वहाँ जाके हमने टेंट लगाया और काफ़ी मज़ा आया। और ये पूरा एक्सपीरियंस, जो भी ये पूरी वीडियो है, मैं आप लोगों के सामने अभी शेयर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसी तरह मेरी वीडियोज़ को प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी वीडियोज़ देखिए और इन्जॉय कीजिए। हमें यहीं पे 11 बज गए। अभी मैं कुछ थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अभी हमने यहाँ से ट्रैकिंग शुरू नहीं की है। घोड़े पे पूरा सामान हम पैक करके अच्छे से लाद रहे हैं और टाइम लग रहा है। मेरे को नींद जैसी आ रही है, शायद मेरे को ऐसा होता है जब कभी भी क्लाउडी मौसम हो तो मेरे को अजीब जैसा लगने लगता है, नींद जैसी आने लगती है और थका हुआ फील करता हूँ। तो अभी 12 बजे हमने यहाँ से चलना शुरू किया है। आप पीछे देख सकते हैं, हमने पूरा सामान घोड़े पे रखा हुआ है और यहाँ से हम निकल चुके हैं। 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। Thank you.
अच्छा जेठ में आए थे। खान पीन वो सामान शमान वगैरह घोड़ा पर लिया, आसानी हुई है ना। हाँ वो थोड़ी आसानी हुई। कितना घोड़ा थारे को? वो थारो कर रहे पूंछ बदल। तो ये यहाँ अप्रैल में आते हैं जम्मू वाले रास्ते से, मेरा मतलब इसी रास्ते से आते हैं। तो यहाँ पे ये 6 महीने तक यहीं रहते हैं, इनके भेड़ बकरियाँ और सारा जो बाकी का इनका माल मवेशी होता है उसके साथ ये यहाँ पे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये टेंट में रहते हैं यहाँ पे। तो हम कैंपिंग करते हैं खुशी से और इनको करना पड़ता है मजबूरी से, यही फर्क है। ये आरबल से पीछे वाला एरिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है मैं क्या बोलूं आपको। वो अभी वहां से आ रहे हैं, तो वहां से आए हैं हम सुबह, वहां से चले। ये वो जो आपको सिटी दिख रही है इस वाले एरिया से, अभी मैं इनके पास जा रहा हूँ लस्सी पीने के लिए। और लस्सी यहाँ की ठंडी, मजा आने वाला है। यहां से आगे ये नहीं जा रहे हैं, तो घोड़ा हम पांचों में से किसी एक को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो घोड़ा चलाना ही नहीं आता, अब हमारे लगने वाले हैं। तो हम में से इन भाई साहब को हमने घोड़ा थमा दिया, फैसल भाई साहब को। वाह यार, यहाँ से रास्ता काफी खूबसूरत और अच्छा आने वाला। यह है मजगाम, और यहाँ से जो आगे को रास्ता जाता है ये पड़ता है अरबल। तो इस वक्त जो अरबल है वो इस साइड में है, जो वाटरफॉल है, ठीक है, इस पहाड़ी के इस साइड में। तो ये है मजगाम, ये पूरा एरिया मजगाम का है। और यहाँ से इस साइड को आपका पहलगाम पड़ता है, ठीक है। अब हम इस ऊपर वाली पहाड़ी पे पहुँच चुके हैं। वैसे मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ। जो फीलिंग है, जो ऑक्सीजन है, जो फ्रेशनेस इस हवा में है, वो बयान की नहीं जा सकती। वो आप लोग यहाँ पे आके खुद फील करेंगे तो पता चलेगा कि मैं आपको क्या बोल रहा था। ये है फैसल भाई घोड़े वाला, अब ये पानी पी रहे हैं। वो छोटी वाली, छोटी वाली। ओके भाई, और ये हम पहुंच गए हैं चिरनबल, हमारी पहली मंजिल और पहला एक्सप्लोर। आप देख सकते हैं ये पूरा मैदानी इलाका है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं। ये वाला नाला है, यहाँ से हमने क्रॉस करना है और यहाँ पे बेस कैंप के पास पहुँचना है। आज ही पहुँचना है हमें, तो पहुँच जाएंगे अभी पता चला मुझे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है,
कि अपने घोड़े को थोड़ी रेस्ट वगैरह दी है ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। यार थक चुका है बेचारा, लोड तो देखो उसके ऊपर। अभी हम चिरनबल हैं तो इसके बाद हम बडदलो जाएंगे और वहाँ से कोसरनाग इस तरफ में है हमारी राइट साइड में, तो फिर हमारी लेफ्ट साइड में है जो वो है चिरसर लेक। और चिरसर लेक ये पूरा ट्रैक जो है ये 3 से 4 दिन का ट्रैक है, इसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ से चिरनबल को बाय बाय। अब हम चलते हैं आगे की तरफ जो लेक्स के पास हमें जाना है और जहाँ पे हमने कैंप लगाना है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो इस पे हमने लोड रखा हुआ है थोड़ा कुछ अजीब सा है। अब क्या कर सकते हैं यार, हम लोगों को पता भी तो नहीं है। ये चिरनबल के नीचे वाली साइड है जहाँ से हमें क्रॉस होके नाला पार करके अपने बेस कैंप तक जाना है। ठीक है, इसके पीछे वाली साइड जो है यानी कि इस साइड वाली हम पहले बैठे हुए थे, ये वो वाली जगह थी, तो ये नीचे वाला एरिया है। मुझे लगता है घोड़े में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मंजिल काफ़ी दूर है, करना पड़ेगा तय। हाँ यार, ये तो ढीला हो चुका है। चलो हम यहाँ पे रुकेंगे ना। हाँ, इसको फिर ठीक कर देंगे, काफ़ी ढीला हो गया, बहुत नीचे जा रहा है, इसको तकलीफ हो रही होगी। यहाँ पे नाले में हमने थोड़ा स्विम किया, थोड़ा खुद को फ्रेश किया, अब हम आगे के सफ़र के लिए बढ़ चुके हैं। कहाँ पहुँच गए हम? पिंजियन। क्या बात है, पिंजियन पहुँच गए। ये एक ढोक है। इस वक्त हमें भूख भी लग रही है, मगर अगर हम खाने के लिए बैठ गए तो मौसम भी ख़राब है और बारिश भी हो सकती है, तो फंस जाएंगे रात को यहीं पे। जो हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने यहाँ फिर से इस ढोक में लस्सी पी और बड़ा ही सुकून आया। जंगल देखिए कितना खूबसूरत है, शांत है बिल्कुल, आवाज़ सुनाई देती है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ इस वक्त आपके सामने तो मेरी आवाज़ भी कितनी क्लियर सुनाई दे रही होगी आपको, खूबसूरत है। तो चिरनबल आहरबल वाटरफॉल, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पहलगाम कैंपिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। अभी हम पहुंच गए हैं जटा आली, यहाँ की लोकल भाषा में इसको बोलते हैं जटा आली। तो यहाँ से 1 या 1.5 घंटे का रास्ता ही बता रहे हैं कि आपको लगेगा, तो देखते हैं। मुझे डरा रहा है या धमका रहा है? बिजली वाला पेड़। इस एरिया में जो आप सामने देख रहे हैं, इस एरिया में हम कैंपिंग करने की सोच रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे तो यहाँ से कल मॉर्निंग में हम निकलेंगे, ये पहाड़ है, यहाँ पे जो लेक्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला हमारे लिए। तो अभी लकड़ी वगैरह भी ले जानी है और बना के देखते हैं कि कैसा लगता है। सूरज भी ढल रहा है, सूरज ढलने से पहले पहले हमें अपना खाना तैयार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार, रहा नहीं जाता अब। हाँ मेरे पास है वो,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस पे हम सीखे बनाने वाले हैं और इस पे हम अपना चिकन बनाने वाले हैं। अभी शाम के 6 बजे हैं, मज़ा आने वाला है। अभी शाम हो रही है और हमने खाना बनाया है, खाना तैयार है। हमारे पास चिकन बना हुआ है, प्लस हमने तुजी भी बना ली है, वो टेंट भी लगाया है। और ये दोनों भाई, इनमें से एक हमारे कुक हैं जिन्होंने बहुत अच्छा चिकन बनाया है आज, और बड़ा मज़ा आया हमें देख के भी और खा के भी। पानी बहुत दूर है और बहुत ठंडा है, तो आज रात को हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं और कल मॉर्निंग में हम कोसरनाग जाएंगे, जो ये यहाँ से ऊपर जाएंगे हम ट्रैकिंग करते हुए, मॉर्निंग में सवेरे निकलेंगे। तो अभी की वीडियो करते हैं बंद, अब मिलते हैं कल सुबह वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए शब्ब खैर, गुड नाइट, खुदा।